अलीगढ़ में रघुवीरपुरी स्थित श्री अखिलेश्वर महादेव मंदिर में विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 9 दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। अध्यक्ष सतीश गौड़ ने झंडी दिखाकर कलश यात्रा को रवाना किया। मंदिर से निकाली गई कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं कलश लेकर शामिल हुई। कलश यात्रा का कई जगहों पर स्वागत किया गया। कलश यात्रा में चित्रकूट से आए कथावाचक परम पूज्य संत अवधेश दास जी महाराज का रथ भी शामिल रहा। कलश यात्रा रघुवीरपुरी होली चौक गूलर रोड अशोक नगर मित्र नगर शिवपुरी चौराहा होते हुए वापस मंदिर पहुंची, जहां वेद व्यास की गद्दी के चारों ओर कलश स्थापित किया गया। मंदिर प्रांगण में वेद व्यास के मुखार बिंदु से राम कथा की अमृत वर्षा हुई, जिसमें भक्तों ने काफी आनंद लिया। इस मौके पर प्रवीण वाष्णे, सत्येंद्र प्रकाश गुप्ता, ब्रिजमोहन वाष्णे, मुकेश सिंघल, नवीन शर्मा, प्रवीण अग्रवाल, सुभाष गौतम, आनंद गोयल, ज्ञानेंद्र गुप्ता, विनोद गुप्ता, शशि गौड़, मंजू शर्मा, गुंजन अग्रवाल आदि मौजूद रहे। पिछले 3 दिन से प्राण प्रतिष्ठा थी 12, 13, 14 जो काशी के विद्वानों द्वारा कराई गई थी, जो राम मंदिर वालों में जिन्होंने कराई थी, उसके उपरांत आज जो है सुबह कलश यात्रा निकली, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया कलश लेकर। और अब 2 बजे से राम कथा का आयोजन चित्रकूट से आए महाराज श्री अपनी कथा जनता चित्रकूट द्वारा पधारे, चित्रकूट से आए श्री अवधेश दास जी महाराज कथा का प्रसंग सुना रहे हैं आज, जो जनता जनार्दन को जिसमें चरित्र है। आज का प्रथम दिन है, प्रथम दिन जो वर्णन है उसका भगवान शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई है, वही कथा आज अवधेश दास जी जनता जनार्दन को सुना रहे हैं। इस यात्रा में बहुत भीड़ थी, नगरवासियों का बहुत उत्साह है। पूरे क्षेत्र में जो सिद्धिविनायक मंदिर है, अलीगढ़ में पहला मंदिर है जो सिद्धिविनायक मंदिर बना है ये।